हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको क्या कह रहा है कि हमको एक BST गिवन है और हमको एक नोड को उस BST में इंसर्ट कराना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन है BST एंड ए की K। इफ़ K इज़ नॉट प्रेजेंट इन दी BST, अगर K BST में प्रेजेंट नहीं है, then only we need to insert this particular node in our BST. ठीक है, if K is already present in the BST, don't modify the BST. इसका मतलब मान लीजिए इस ट्री का अगर हम बात करें ना, एग्जाम्पल लेने के लिए, यहाँ पे तीन नोड है, टू रूट है, वन उसका लेफ्ट चाइल्ड है, थ्री उसका राइट चाइल्ड है। अगर हमको फिर से इंसर्ट कराना है थ्री को, तो यह कह रहा है कि उसमें हमको अपने BST में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको BST का प्रॉपर्टी पता है कि उसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट अलाउ नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट एक बार है हमारे BST में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा इंसर्ट, अगर उसी नोट को कर रहे हैं तो हम इंसर्ट करें, हम इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम को हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक वे तो ये हो गया कि हम इसको इटरेशन से कर दें, और दूसरा ये हो गया कि हम इसको क्या करें, रिकर्शन से करें। तो अभी हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम इस काम को रिकर्शन से कैसे करें, क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का लिखना इजी होता है इन कंपैरिजन विद दी इटरेटिव कोड। ओके, तो हम क्या करने जा रहे हैं ना, हम एक रिकर्सिव कोड लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा कोड में हम अपना क्या क्या चीज़ लिखेंगे। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि एक नोड को इंसर्ट कराने के लिए पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या लिखते हैं, हम एक नोड को क्रिएट करते हैं, तो उसके पहले हम अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं या फिर क्लास देख लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही यूज हुआ है। ठीक है, तो एक डेटा, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है, बिल्कुल सही है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम सबसे पहले एक नोड क्रिएट करते हैं। ठीक, तो नोड स्टार ए असाइन न्यू नोड, और क्या उसमें डेटा हम पास करेंगे जो हमको की में आ रहा है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आप जो भी वैल्यू पास करें उसको वो असाइन कर रहा है इसके मेंबर वेरिएबल्स में, राइट? इतना सही काम कर रहा है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के लेफ्ट में और ए के राइट में असाइन करवा देंगे नल। हो गया, हम एक नोड को व्हाट आई कॉल मेमोरी एलोकेट करवा लिए हैं। अब हमको इसका पोजीशन फाइंड आउट करना है अपने BST में, कि इस नोड का कौन सा एक पोजीशन पर्टिकुलर जहाँ पे हमको इसको इंसर्ट कराना है। तो इस चीज़ के लिए कुछ नहीं, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं फन, और ये इसके बाद हम अपने रूट को रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रूट, जो कि हमको आर्ग्यूमेंट में आ रहा है। तो हम इसमें फन में ये जो नोड क्रिएट किए डायनामिकली उसको पास कर रहे हैं, और रूट पास कर रहे हैं, और की पास कर रहे हैं, राइट? अगर आप इसका कंस्ट्रेंट देखो ना, तो या तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक नोड तो आपके पास है ही। ठीक है, नंबर ऑफ नोड इनिशियली 1 से लेकर 10^5 तक, और उसका वैल्यू है 1 से लेकर 10^6, जो कि बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रूट का वैल्यू नल होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन का वेरिएशन किसी और प्लेटफॉर्म पर देखोगे, तो वहाँ पे आपसे ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस एज केस को भी कंसिडर करो जब आपका रूट नल है, मतलब एक भी नोड नहीं है, तब भी आपको इंसर्शन करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, उसका भी हम कोड आपको लिख के एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने फन नाम के फंक्शन को कॉल करके सारा वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एक वो नोड का एड्रेस जिसको हमको इंसर्ट कराना है, एक हमारा रूट नोड है, तो नोड स्टार रूट, और एक डेटा है। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करते हैं कि मान लो हमको एक चीज़ पता है कि हमको एक अगर डेटा को इंसर्ट कराना है, तो BST में हमको पूरे ट्री को ट्रैवर्स करने की नीड नहीं है, हम उसके रूट के डेटा से कंपेयर कर लिए, क्या मेरा जो इनकमिंग डेटा है जिसको हम इंसर्ट करा रहे हैं, अगर वो रूट के डेटा से बड़ा है, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि उसको हम राइट सब ट्री में इंसर्ट कराएंगे, ना कि लेफ्ट सब ट्री में। तो वही काम हम करने जा रहे हैं। तो हम रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपना
बेस केस लिखेंगे कि कब हम ये चीज़ रोकेंगे। तो अगर ट्रैवर्स करते करते रूट हमारा नल हो जाता है ना, ये हमारा बेस केस है, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे, काम ख़त्म। एक और इफ़ लिखते हैं, इफ़ मान लीजिए अगर डेटा बड़ा है किससे, रूट के डेटा से, इसका मतलब क्या, हमारा राइट सब ट्री में इंसर्ट करेंगे एंड एंड, और अगर रूट का जिस रूट पे खड़े हैं उसके राइट में नल है, इसका क्या मतलब है कि अब हमको इसको इंसर्ट करना है किसके, रूट के राइट सब ट्री में, तो हम वही कोड लिख देंगे रूट के राइट में, असाइन कर देंगे ए, ये हो जाने के बाद आप रिटर्न हो जाओ, ठीक है। इफ इफ डेटा, अगर डेटा लेस देन है रूट के डेटा से, ठीक है, रूट के डेटा से एंड एंड रूट का लेफ्ट नल है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट सबट्री में इंसर्ट कर देंगे, तो कुछ नहीं, हम रूट के लेफ्ट में असाइन कर देंगे ए, और ये होने के बाद हमको रिकर्सन को स्टॉप भी करना है, इसलिए हम रिटर्न कीवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है ना। और एक केस ऐसा भी हो सकता है जो ये बोल रहा है, इफ केज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी बीएसटी डोंट मॉडिफाई दी बीएसटी, तो अगर हम चेक कर लेते हैं कि अगर डेटा जो है वो बराबर हो है किसके किसके रूट के डेटा से, अगर इक्वल कभी भी हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमको उस केस में कुछ नहीं करना है, रिटर्न हो जाना है, क्योंकि हमको डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं कराना है, हो गया हमारा काम। अब हम ये चीज को लेफ्ट सब ट्री पे भी कॉल करा देंगे और राइट सब ट्री पे भी कॉल करा देंगे, हमारा काम कंप्लीट है। तो अगर डेटा बड़ा है हमारा रूट के डेटा से, इसका क्या मतलब है कि अब हम कॉल करेंगे किसके लिए, राइट सब ट्री के लिए, ठीक है। तो फन ए रूट का राइट और डेटा, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमको पता चल गया कि हमको लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन कराना है, तो ए रूट का लेफ्ट और हमारा जो डेटा है, एज सिंपल एज डैट, हो गया हमारा काम खत्म, ठीक है। और फाइनली हम रिटर्न कर दिए रूट, आइए रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या कोड फटेगा भी हमारा। तो हमारा प्रोसेसिंग तो बिल्कुल सही है, 213 था, हमने 4 इंसर्ट किया, उसके बाद इसने उसका वराई कॉल, इसको आउट प्रिंट करवाया, ठीक है। तो प्रिंट कराने के बाद बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है कि हमारा सारा टेस्ट केस सक्सेसफुली पास हो चुका है, हमारा ये प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो ये इसका कौन सा था, ये इसका था रिकर्सिव कोड। अगर इसी चीज़ को हम इटरेशन से करना चाहते तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम इसका रिकर्सिव अप्रोच नहीं, उसमें इसका इटरेटिव अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। हम जो कोड लिखे हैं उसको ड्राई रन कीजिए, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि हम ये स्टेप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ड्राई रन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि कब मेरा कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का काम होगा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।